सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है, पर खतरे वाले सरकारी नौकरी से अधिकतर लोग बचते हैं। आज आपको रूबरू कराते हैं भारत की उन नौकरियों से जो कि है भारत की सबसे खतरनाक सरकारी नौकरियां। इन्हें करने के लिए सच में जिगरा चाहिए। और आखिरी वाली नौकरी तो ऐसी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक कही जाती है, आर्मी। आर्मी का नाम तो नंबर वन पर आना लाजमी है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश की आर्मी का जवान अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। थल सेना हो, जल सेना हो या फिर हो वायु सेना, जवान हर पल एक नए खतरे से लड़ता है। दुश्मन देश की सेना हो, आतंकवादी हो या फिर हो प्रकृति का कहर, ये रणबांकुरे हमें बचाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिजली विभाग कर्मचारी। बिजली विभाग के वे कर्मचारी जो फील्ड में लाइन्स पर काम करते हैं, उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है, जरा सी सावधानी उनकी जान ले सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस विभाग जनता की सेवा के लिए 24 घंटे सातों दिन काम करता है। कोई भी घटना हो जाने पर हम सबसे पहले पुलिस को ही फोन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस हमारे पास पहुंच जाए, पर उनकी लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती। एक पुलिसकर्मी को हमेशा जान का खतरा बना रहता है। फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स की जॉब कोई कम रिस्क वाली नहीं होती। आग लगी लोकेशन पर ये फायर फाइटर्स अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर चले जाते हैं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं, आग बुझाते हैं। जरा सी चूक उनके लिए नुकसानदायक होती है। बम निरोधी दस्ता। बम जो कभी भी फट सकता है, लेकिन उसे फटने से रोकने के लिए ये हीरोज हमारी पुलिस आर्मी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बम निरोधी दस्ते का हर एक टास्क मौत के मुंह से तो शुरू ही होता है, पर फिर भी ये अपनी जान की परवाह किए बिना ये किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बम को फटने से पहले ही डिसेबल कर देते हैं। सिविल सफाई कर्मचारी। इनकी सेवा को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, पर अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपका खूबसूरत शहर या फिर गाँव कुछ ऐसा दिखेगा। गहरे नालों के अंदर जाकर ये लोग रुकावट को दूर करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा तो है ही, पर नालों और सीवर में होने वाली जहरीली गैस पल भर में मौत की नींद सुला सकती है। वन विभाग। वन कर्मियों को जान का हमेशा खतरा होता है, उन्हें जंगली जानवरों से ही सावधान रहते हुए जंगली जानवरों की ही रक्षा करनी होती है। शिकारियों और तस्करों से उनका आमना सामना होता रहता है, पर एक जॉब ऐसी है जो आपको आगे बताएंगे वो है बेहद खतरनाक, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साइंटिस्ट। अलग अलग केमिकलों पर स्टडी करने वाले या फिर नई नई चीजों को ढूंढने वाले वैज्ञानिकों को जान का खतरा हमेशा बना रहता है। स्टडी से पहले किसी को भी नहीं पता होता ये वाला वायरस या फिर ये वाला केमिकल मानव जाति के लिए फायदेमंद है या फिर नहीं। मानव जाति के अलावा वो अन्य जीवों पर भी रिसर्च करते हैं और कुछ बढ़िया ढूंढ लेने पर दूसरे देश उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं मानते तो जान से मारने की भी कोशिशें की जाती हैं। अभी तक जो नौकरी आपने देखी वो सब थी देश के अंदर, पर अब एक ऐसी नौकरी भी आपको बताते हैं जिसे ज्वाइन करने वाले गुपचुप तरीके से दुश्मन देश की सेना हो या सरकारी डिपार्टमेंट हो या फिर आतंकवादियों के ग्रुप में हो, वो लोग जाकर शामिल हो जाते हैं। पकड़े जाने पर मजबूरी में देश की सरकार को ये भी कहते हुए नकारना पड़ जाता है कि ये हमारा आदमी नहीं है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, खुफिया विभाग। खुफिया विभाग हर वक्त दुश्मन के निशाने पर होते हैं। बड़ी सावधानी से इन्हें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है और आगे फॉरवर्ड करनी होती है। कौन सी जॉब आपकी फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना।